दोस्तों अभी इस वक्त जब जब राम मंदिर की चर्चा होती है तो चर्चा में शंकराचार्यों का नाम जरूर लिया जाता है। अभी के माहौल की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए लिया जाता है नाम क्योंकि शंकराचार्यों की तरफ से कह दिया गया है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। चारों शंकराचार्यों ने ये कहा है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा एक शंकराचार्य के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि चारों शंकराचार्यों में अयोध्या जाने को लेकर किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। यानी चारों के चारों शंकराचार्य इस बात से असहमत हैं कि अयोध्या में जो अनुष्ठान हो रहा है दोस्तों, जिस तरीके से अनुष्ठान किया जा रहा है वो सही है। इस बात से यानी सबने इस बात पर हामी जताई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो शास्त्रों के खिलाफ है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अब बीते दिनों नारायण राणे नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक सवाल पूछा था दोस्तों। सवाल क्या था? सवाल ये था उनकी तरफ से कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में क्या योगदान रहा है, जो अगर वो ये सारी चीजें बोलेंगे तो हमें उस पर गौर करना चाहिए, उन्हें तो बल्कि राम मंदिर जाना चाहिए और इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए, नारायण राणे ने कहा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं शंकराचार्यों की पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन शंकराचार्य कौन होते हैं दोस्तों और शंकराचार्यों का महत्व क्या है? अभी फिलहाल के सिनेरियो में कितना जरूरी है शंकराचार्यों का राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ा होना? अगर वो कट रहे हैं, अगर वो राम मंदिर के मुद्दे से खुद को अलग कर रहे हैं या फिर अयोध्या में होने वाली राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? सारे सवालों के जवाब इस खबर में मैं आपको दूंगी, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों चार शंकराचार्य, जी हाँ चार शंकराचार्य जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, शास्त्रों के खिलाफ है। उन चार शंकराचार्यों में कौन कौन है, कौन कौन से मठ के वो शंकराचार्य हैं, सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले जरा शंकराचार्यों की भूमिका क्या है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, इसको बताने की कोशिश आपको करते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है जिसका देखिए कहना है कि आधुनिक इतिहासकार शंकराचार्य को लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताते हैं और उन्हें उपनिषदों की टिप्पणियों और एकल दार्शनिक कार्यों से लेकर भक्ति भजनों तक के ग्रंथों का लेखक मानते हैं। उन्होंने अद्वैत या गैर द्वैतवाद में अद्वैत दर्शन का समर्थन किया, जिसने ब्रह्म सर्वोच्च चेतना के साथ आत्मा की पहचान पर जोर दिया। अपनी किताब द इटर्नल रिलीजन ग्लिम्सेस ऑफ हिंदुइज्म में विद्वान और कांग्रेस नेता करण सिंह लिखते हैं कि शंकराचार्यों ने ज्ञान के माध्यम से प्राप्त मुक्ति के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया जो तपस्या और ध्यान से पैदा होता है। पारंपरिक कथाओं में शंकराचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है वैसे तो, लेकिन ये मुख्य तौर पर कहा गया है कि जिन्हें अद्वैत परंपरा में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म कलाडी गांव में हुआ था। कम उम्र में सन्यासी बन गए, उपमहाद्वीप की लंबाई चौड़ाई की यात्रा की, ब्राह्मणवादी पुरुस्थान का नेतृत्व किया और बहस में बौद्ध भिक्षुओं को हराया। मध्यकाल में परंपरा सामने आई कि शंकराचार्य ने अपनी यात्राओं के दौरान उपमहाद्वीप के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक एक करके इन चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए और उन्हें पीठम या मठ कहा जाता है। उनके प्रमुख शंकराचार्यों की उपाधि जो है वही लोग धारण करते हैं जिन्होंने सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त किया होता है। इनमें से कई शंकराचार्य ऐसे हैं दोस्तों जिनके लिए कहा जाता है कि वो 15 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। 15 से ज्यादा ग्रंथों को, पहली बात तो ज्ञान भी धारण करना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजों को देखना और उसकी एक एक बातों को कंठस्थ करना ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसके लिए वाकई में तपस्या चाहिए। तो ये वही शंकराचार्य हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है। तो योगदान क्या रहा है अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये हैं कौन और कहाँ 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 के कौन कौन से मठ के हैं दोस्तों, ये आपको बता देते हैं। चार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं जो कि जोशी मठ के हैं, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं जो कि पुरी के हैं, ओडिशा पुरी,
भारती तीर्थ है श्रृंगेरी और सदानंद सरस्वती है द्वारका। भारतीय तीर्थ जो है कर्नाटक के मटके बताए जाते हैं और सदानंद सरस्वती द्वारका जो कि गुजरात के मटके बताए जाते हैं, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये चार दिशाओं में बने मटके ये चारों शंकराचार्य हैं जिनके बारे में आजकल चर्चा बड़ी है और उनका कहना है कि वो नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जा नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सनातन धर्म के रीति रिवाजों को पालन नहीं किया जाएगा और सनातन धर्म का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ये जो चार शंकराचार्य हैं दोस्तों, पांचवी मठ संस्था तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठम पीठम की है। उनका भी दावा है कि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने ही की थी, हालांकि श्रृंगेरी मठ इस पर विवादित है। ये 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक सुर्खियों में रहा, जिसका मुख्य कारण चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती का करिश्मा था। शंकराचार्य और अभी इस वक्त जो राजनीति चल रही है, जरा आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शंकराचार्य जितने भी हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं दोस्तों, इन सभी का ये साफ तौर पर ये कहना है कि जाने को तो हम चले जाएं, लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि हमें निमंत्रण भी तो मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, जोशी मठ, जी हाँ, जोशी मठ के शंकराचार्य जो हैं, यानी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन्होंने साफ तौर पर एक चैनल के साथ बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि वो तो तब जाएंगे ना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जब उनको आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित ही नहीं किया गया है। और बाकी के जितने शंकराचार्य हैं उनको लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि उनको भी निमंत्रण भेजा गया या फिर नहीं, तो उनका कहना था कि उनके बारे में वो खुद जान सकते हैं, उनको पता होगा, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे किसी तरीके का कोई इन्विटेशन, किसी तरह का कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। तो जब नहीं दिया गया है फिर कैसे चले जाए हम? सबसे ज़रूरी बात दोस्तों यहाँ ये कि हिंदू धर्म में जिनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है शंकराचार्यों का, उनको इस इतने बड़े कार्यक्रम से अलग थलग कर दिया गया है। जबकि राम मंदिर आंदोलन में, या कह लीजिए कि राम मंदिर की जब से चर्चा शुरू हुई या कोर्ट में मामला गया, तब भी पैरवी ये शंकराचार्य भी कर रहे थे, इनके मठों द्वारा भी की जा रही थी रामानंद संप्रदाय के साथ, ऐसा खुद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा गंभीर विषय है कि जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं हिंदू धर्म का, ये सनातन धर्म का, आपने उन्हीं को इस पूरे कार्यक्रम से अलग थलग कर दिया। वजह क्या हो सकती है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। नारायण राणे का कहना कि शंकराचार्यों का क्या योगदान है, मैंने आपको शंकराचार्यों का महत्व बताया, शंकराचार्यों का इतिहास बताया और अभी फिलहाल जो राजनीति चल रही है सब कुछ बताया। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।